ये हमारी लाइब्रेरी का एटलस वाला सेक्शन है, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के एटलस मिल जाएंगे। जैसे कि ये काफ़ी बड़ी बुक है, कॉस्मोस, तो इसमें पूरा यूनिवर्स के बारे में बता रखा है। गैलेक्सीज, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बुक्स वगैरह पड़ी हैं जो मैप्स और एटलस से रिलेटेड है। और ये मैप देख सकते हैं आप, और ये जो सारी बुक्स पड़ी हैं ये सब एटलस है। ये मीटियोरोलॉजी की बुक, काफ़ी पुरानी किताब है, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। और ये नॉर्थ अमेरिका का एटलस के बारे में बता रखा है, काफ़ी बड़ा एटलस है। और ये साउथ एशिया का, जिसमें इंडिया का मैप है, हिस्टोरिकल एटलस ऑफ साउथ एशिया। ये है एटलस ऑफ द वर्ल्ड, ये जो हमारे ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस या ब्लैक स्वान एटलस होते हैं उनकी तरह नहीं, ये काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी ही बड़ा एटलस है, जिसमें आपको काफ़ी डिटेलिंग मिल जाएगी। और टोटल इसके 300 पेजेस हैं। ये है एटलस ऑफ द ग्रीक एंड रोमन वर्ल्ड, तो कंट्री के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे सारे एटलस मिल जाएंगे। ये सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड का एटलस है, जिसमें अलग अलग शहरों के नक्शे बना रखे हैं पुराने टाइम के, देख सकते हैं। पुराने डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और ये सब अलग अलग कंट्री के हिसाब से जैसे आपको मिल जाएगा। ये एटलस ऑफ इंडिया है, और एटलस ऑफ नीदरलैंड देख सकते हैं, काफ़ी ही बड़ा बड़ी बुक है। और एटलस ऑफ इंग्लैंड, साउथ इंग्लैंड एंड वेल्स, बहुत ही जो आपको दिखाई दे रहा है एक स्पेस की तरह, ये इसीलिए है ताकि जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं उनको आप यहाँ पे ओपन करके पढ़ सकें। और काफ़ी पुरानी बुक है, पेज पेज की क्वालिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराना और काफ़ी इम्पोर्टेंट एटलस है, देख सकते हैं काफ़ी मोटा है। ये है एटलस ऑफ एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट का जो एटलस होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें अलग अलग टाइप के एटलस है, जैसे बायोडाइवर्सिटी का भी मिल जाएगा,
सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस। तो काफ़ी काफ़ी वैरायटी और काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखो आप कितने अलग अलग टाइप के एटलसेस अवेलेबल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अब ये है, ये शायद बेल्जियम का एटलस है, बहुत ही ह्यूज साइज में। ये दिखने में आपको छोटा लग रहा होगा पर इसकी साइज आप देख सकते हैं, एक दो तीन, लगभग 3 फुट लंबा ये लंबी ये किताब है, जो काफ़ी ही पुरानी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये था एटलस वाला सेक्शन, और इसी तरह से अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पे आपको नासा से रिलेटेड भी एटलस मिल जाएगा, अब जैसे एटलस ऑफ यूनिवर्स है, क्लेमेंटाइन एटलस ऑफ द मून, मतलब चांद का भी अलग से एटलस है, चाइना का अलग से एटलस है, नासा और सोलर सिस्टम का अलग से एटलस है, जिसमें आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे हम अगर नासा का निकालें तो आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एटलस जिसमें अलग अलग प्लैनेट्स की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये वीनस है, शुक्र, अर्थ और मून का सिस्टम, ये मंगल ग्रह, जुपिटर, इनका पूरा जो एनवायरनमेंट है, पूरा जो अलग अलग टाइप का जो वहाँ पे एनवायरनमेंट रहता है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन इसमें दे रखा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एटलस है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के एटलस मिल जाएंगे आपको। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन लगा मुझे लाइब्रेरी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।